हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी की मुख्य परीक्षा मतलब मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग पार्ट वन में हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, मतलब इतिहास से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में तीन पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर थ्री जो होता है वो ऑप्शनल होता है, और एक और हिंदी का भी पेपर होता है वो जो कि कंपलसरी होता है, और उसमें और क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी होता है। तो पेपर वन में तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, दूसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स, तीसरा होता है स्टेटिस्टिक्स जिसमें सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण होता है। पेपर टू में भारतीय राज्य व्यवस्था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा पार्ट होता है भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका और क्या प्रभाव है। तो आइए आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, पेपर वन का पहला पार्ट, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, इसे पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला पार्ट होता है कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का, जिसमें टॉपिक होते हैं मौर्य कला, पाल कला, ठीक है, यही दोनों मेन होते हैं, इससे ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा पटना कलम शैली और मिथिला या मधुबनी पेंटिंग, ये चार पार्ट होते हैं कला एवं संस्कृति से, बार बार इसी से प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। इससे जो संबंधित प्रश्न आते हैं किस प्रकार के आते हैं आप उसको देख सकते हैं। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कला एवं संस्कृति से संबंधित इस तरह के प्रश्न बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये 59वीं का प्रश्न है, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरे पार्ट में आता है जनजातीय आंदोलन, जिसमें प्रमुख टॉपिक है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, काना भगत आंदोलन और भारत में जनजातीय आंदोलन के कारण, स्वरूप और परिणाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पार्ट में भी दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा आंदोलन, इससे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 56वीं से 59वीं का प्रश्न है, संथाल विद्रोह के कारण एवं प्रभाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, तो इस तरह के प्रश्न जो जनजातीय आंदोलन से संबंधित पूछे जाते हैं। और तीसरा पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन का, और इसमें बिहार के संदर्भ में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक होता हुआ है 1857 के विद्रोह में बिहार तथा बाबू कुंवर सिंह की भूमिका क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के पीछे कारण, बिहार प्रांत के गठन के लिए चलने वाला आंदोलन और बिहार प्रांत का गठन, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका और चंपारण सत्याग्रह के कारण, स्वरूप और परिणाम, इससे संबंधित प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका आजाद दस्ता के विशेष संदर्भ में, उसके बाद बिहार में किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में, तो इस तरह के प्रश्न जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बिहार के संदर्भ में पूछे जाते हैं। चौथा पार्ट है विचार एवं चिंतन और दर्शन का, जिसमें कि मुख्यतः महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार, चिंतन और दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिये प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के उद्भव के कारणों की विवेचना करें तथा उसकी असफलता का उल्लेख करें, तो इस तरह के प्रश्न जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पूछे जाते हैं। उसके बाद अंतिम पार्ट आता है बिहार में आधुनिक या पाश्चात्य शिक्षा का विकास, तो इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, अपने अध्ययन काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन करें, आधुनिक बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए,
एवं स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए। बंगाल से बिहार के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या परिवर्तन हुए, इस तरह के प्रश्न जो है बिहार में आधुनिक शिक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। ठीक है, तांत्रिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में बिहार में 1990 से 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न ये 5 पार्ट से इतिहास से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ और प्रश्न देखिए, ये 56वीं से 59वीं के है। बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों का, इन टॉपिक का अच्छी तरह से अध्ययन कर आप भी बीपीएससी मेंस की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।